उत्तराखंड में सीधी भर्ती वाले पीसीएस अफसरों को मिलेगा प्रमोशन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करेगी सरकार। उत्तराखंड के काशीपुर में सनसनीखेज वारदात, बीच सड़क पर नवविवाहिता दंपत्ति को मारी गोली। राजबाड़ी में बन रहा मिनी स्टेडियम, निर्मोत्री विधायक केदार सिंह ने किया शिलान्यास, खेल प्रेमियों ने उत्साह के साथ जाहिर की खुशी। पर्यटकों से गुलजार हुई सरोवर नगरी, पर्यटकों की बढ़ती आवाज, गुलजार है कारोबारियों के खिले चेहरे। कॉर्बेट पार्क की बिजवानी रेंज में 10 सितंबर से खुलेगी बुकिंग, 15 अक्टूबर से शुरू होगी जंगल सफारी। उत्तराखंड में कोविड 19 के 807 नए मामले सामने आए, संक्रमितों की संख्या 25,000 से अधिक हुई। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्ञान सिंह नेगी का निधन हुआ। देहरादून से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्ञान सिंह का निधन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शोक व्यक्त किया। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया शोक व्यक्त। टिहरी जिले के बेरडी के निवासी थे ज्ञान सिंह नेगी। आज तड़के 5 बजे आशुतोष नगर ऋषिकेश में निधन हुआ। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ कहा है, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। भाजपा उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता एवं हमारी सरकार में दर्जाधारी राजमंत्री और मेरे सहयोगी श्री ज्ञान सिंह जी के निधन पर समाचार सुनकर अत्यंत दुख हुआ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपनी श्री चरणों में स्थान दे व शोक संतप्त परिवारजनों को धैर्य प्राप्त करे। ओम शांति। अब बात करते हैं मत्स्य पालकों को बढ़ावा की। प्रदेश में मत्स्य पालकों को भी बीमा सुविधा मिल सकेगी। पशुपालन और मत्स्य विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रेखा आर्या की अध्यक्षता में सोमवार को विधानसभा में हुई राज्य मत्स्य पालक विकास प्राधिकरण के प्रबंधन समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मत्स्य पालकों को मिलेगी बीमा की सुविधा, उत्तराखंड बनेगा ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य। रेखा आर्या की अध्यक्षता में हुई बैठक में मिली मंजूरी। अधिकारियों को इंश्योरेंस कंपनियों से बातचीत के निर्देश। अब बात करते हैं प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत की। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में 4 सनसनीखेज हत्याओं का मामला भी ठंडा नहीं हुआ था कि सोमवार देर रात करीब 9 बजे काशीपुर में बेटी और दामाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रेम कहानी का अंत ऐसा होगा किसी ने सोचा नहीं था। पूरी जानकारी के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। काशीपुर में सनसनीखेज वारदात, डबल मर्डर से दहला इलाका। बीच सड़क नवविवाहित दंपत्ति को मारी गोली। प्रेम कहानी का हुआ दर्दनाक अंत। लव मैरिज के कुछ दिन बाद उजड़ गई दुनिया। दोहरे हत्याकांड से क्षेत्र में तनाव की स्थिति। शादी कर लौटे प्रेमी युगल की गोली मारकर हत्या। पुलिस को ऑनर किलिंग की आशंका। नवविवाहित दंपत्ति की गोली मारकर हत्या। प्रेम कहानी का अंत इस कदर होगा ऐसा किसी ने सोचा ना था। जी हाँ, हुआ कुछ यूं कि कुछ दिन पहले प्रेम प्रसंग में युवक ने एक युवती से विवाह किया था, जिसके बाद शादी कर लौटे प्रेमी युगल की काशीपुर में बीच सड़क सरे राह गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं हत्या से
क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने ऑनर किलिंग की आशंका जताई है। बता दें, उत्तराखंड के काशीपुर में कुछ समय पूर्व घर से भागकर शादी करने के बाद वापस लौटे नवविवाहित जोड़े को गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्षेत्र में सरेरा डबल मर्डर की वारदात से सनसनी फैल गई है। पुलिस के मुताबिक बेटी की शादी से उसके परिजन नाराज थे। दोहरे हत्याकांड से क्षेत्र में तनाव की स्थिति है। सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात किया गया है। आपको बता दें, काशीपुर में प्रेम विवाह से नाखुश लड़की के परिजनों ने नवविवाहित जोड़े की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। वहीं पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है। बता दें, काशीपुर के अली खान निवासी राशिद अपने पड़ोस की रहने वाली नाजिया से 3 माह पूर्व घर से भागकर प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद से राशिद और नाजिया फरार थे। 2 दिन पूर्व ही दोनों को नाजिया के पिता मुजम्मिल ने राशिद के पिता कमरुद्दीन से कहकर बुलवा लिया था, जिसके बाद जब नाजिया और राशिद दवा लेकर अपने घर जा रहे थे कि घर के पास ही बैठे मुजम्मिल और उनके बेटों ने दोनों को गोली मार दी। राशिद और नाजिया दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। घटना स्थल के आसपास पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। देखिए, मैरिज हॉल में लड़का और लड़की हैं, उनको गोली मार करके उनकी हत्या की गई है। दोनों ने लव मैरिज की थी, लगभग 3 महीने के आसपास उनको हो चुके थे शादी किए हुए। गोली चलाने वालों में लड़की के जो फादर हैं उनका नाम आ रहा है। इस शादी से खुश नहीं थे, तो अभी वो मौके से फरार चल रहे हैं। हमारी टीमें इसमें लग गई हैं। अरेस्टिंग उनकी शीघ्र कर ली जाएगी, उसके बाद सारा डिटेल में पता लगेगा। बाकी बॉडीज़ हमने मॉर्चरी भिजवा दी हैं, पोस्टमार्टम कल इसमें कराया जाएगा। तहरीर लेकर के इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। बता दें, राशिद और नाजिया ने 3 महीने पहले प्रेम विवाह किया था। युवती के पिता के परिवार वाले इस रिश्ते से खफा थे। लड़की के पिता ने राशिद को अपने घर बुलाया था, लेकिन नव दंपत्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया और हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपके बहन की तबीयत कैसी है? लुवाई को इन्होंने गाड़ी में बिठा के 3 दिन पहले पहुंचा दिया बाहर देमात के घर। उसके बाद में आज ये दोनों दाएं बाएं थे, एक इधर बैठा हुआ था, एक इधर बैठा हुआ था। ये कहानी इन्होंने हमारे साथ कर, हमें नहीं पता था इस बात का कि ये हमें मिलकर दगा देंगे, लड़के को बुलाएंगे और ये ऐसा करेंगे हमारे साथ। महीने 2 महीने 3 तारीख को इन्हें घर से जाए हुए हो गए और निकाह करा कही में मेरे पास रसीद है, ऐसी बात नहीं है, रसीद है। गोली मारने में कितने लोग थे? गोली मारने में ये 2 लोग थे, हाँ, और पिलान था इनका बहुत सारे लोगों का। 2 महीने अच्छे खासे रह रहे थे। इनके बाप ने इन्हें बुला दिया बाहर से कि हमारी लड़की को यहाँ पर बुला लो, दोनों जन आप कुछ नहीं कहेंगा मैंने। और इनके सुनने में आ रहे थे कि मानो कह रहे थे जान से पहले से ही। अब इन्हें रहते हुए हो गए थे अच्छे खासे रहते, 2 महीने हो गए थे। अभी जसपुर से आ जाए, कल आए थे रहने के लिए, तो घर को जा रहे थे तो इनके दोनों जो दोनों बाप बेटों ने, मुजम्मिल था और मोहसिन था, इन दोनों ने गोली मार दी। राशिद के परिजनों के अनुसार 3 माह गुजरने के बाद नाजिया को भी नहीं पता था कि इस प्रेम की कहानी का अंत ऐसा होगा। बता दें, उसे विश्वास दिलाया था कि उन्हें रिश्ते से ऐतराज नहीं है। उसी के बाद दोनों घर लौटे, लेकिन सोमवार रात उसी पिता और भाई ने दोनों की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक कमेटी भी गठित की गई है। काशीपुर से
के न्यूज के लिए भूपेश चंद्रा की रिपोर्ट। अब बात करते हैं पर्यटकों से गुलजार सरोवर नगरी की। 5 महीने के बाद सरोवर नगरी नैनीताल में एक बार फिर से पर्यटकों की बढ़ती आमद से गुलजार होने लगी है। गर्मी से बचने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में सरोवर नगरी नैनीताल का रुख कर रहे हैं। नैनीताल के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पर्यटकों से गुलजार हुई सरोवर नगरी, पर्यटकों की बढ़ती आमद से गुलजार, पर्यटकों में दिख रही है दोगुनी खुशी, कारोबारियों के भी खिले चेहरे, बोटिंग के साथ ठंडी हवाओं का भी आनंद। खूबसूरत वादियों की खूबसूरती जो एक बार देख ले वो नजरें नहीं हटा सकता। विश्व भर से पर्यटक उत्तराखंड में भ्रमण करने के लिए आते हैं। हिमालय, झील, झरने और तालों का मनोरम दृश्य का नजारा बनता हुआ दिखता है। ऐसा ही कुछ नजारा इन दिनों नैनीताल में दिख रहा है, जहां पर्यटक पहुंच रहे हैं और मौसम का मजा ले रहे हैं। पांच महीने के बाद सरोवर नगरी नैनीताल में एक बार फिर से पर्यटकों की बढ़ती आमद से गुलजार होने लगी है। गर्मी से बचने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में सरोवर नगरी नैनीताल का रुख कर रहे हैं। नैनीताल के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर पर्यटक का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। यहां पहुंचकर पर्यटकों को शांति का एहसास हो रहा है। पर्यटक सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचने के बाद पर्यटक काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। यहां का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ की जो आबो हवा है ना, वो अंदर तक शुद्ध कर देती है आदमी। आई लव नैनीताल। मैं नैनीताल इस मंथ में सेकंड टाइम आया हूँ। लास्ट टाइम मैं आया था तो यहाँ पे रश ही नहीं था, 2-3 लोग ही थे बस। आज तो ओपन हो गया तो काफ़ी क्राउड है। आज अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और एक तो बीच में तो 3 महीने तक तो बिल्कुल बंधे रहे, कहीं भी जा नहीं सके। तो इंडस्ट्री भी यहाँ पे भी सबको नुकसान हुआ। इंडस्ट्री दोबारा चालू होगी और लोगों को प्रॉफिट होए, आदमी अर्निंग होए, हम तो ये चाहते हैं। यहाँ फ्रेशनेस बहुत है, ग्रीनरी बहुत है, शुद्ध वातावरण है, ग्रीनरी है, फ्रेशनेस है, प्योर ऑक्सीजन है। बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि हम लोग हर साल आने वाले टूरिस्ट हैं, जो कोई भी ऐसा नहीं है कि कभी ना आए। और यहाँ आके इतनी रौनक देख के बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि सब जल्द अच्छा होगा और हमें घूमने का मौका मिलेगा, नैनीताल आने का मौका मिलता रहेगा। नहीं सोचा नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ होगा। यहाँ आकर सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है और कोरोना का जो डर था वो दिल से निकल गया। नैनीताल के विभिन्न पर्यटक स्थलों का रुख कर रहे हैं, जिनसे पर्यटक स्थल एक बार फिर से गुलजार हो चले हैं। पर्यटकों की आमद से नैनीताल के पर्यटक कारोबारियों के चेहरे खिल चुके हैं। नैनीताल पहुंचे पर्यटक सरोवर में बोटिंग के साथ ठंडी हवाओं के आनंद ले रहे हैं। कहने को नैनीताल में कई दिलकश पर्यटक स्थल हैं, लेकिन पर्यटकों को सबसे अधिक पसंदीदा पर्यटक स्थल बनी हुई है नैनी झील, जहां पहुंचकर पर्यटक प्रकृति के ठंडे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। नैनीताल से के न्यूज के लिए कांता पाल की रिपोर्ट। दुनिया भर के पर्यटकों के लिए सरोवर नगरी नैनीताल आकर्षण का केंद्र रही है। पर्यटक सीजन के अलावा साल भर देश दुनिया के सैलानियों की आमद बड़ी तादाद में यहां पर आती है। पर्यटकों की आमद बढ़ने से नैनीताल शहर में पार्किंग की समस्या विकराल रूप ले लेती है। फ्लैट मैदान में DSA पार्किंग खचाखच हो जाती है। बाद प्रशासन द्वारा वैकल्पिक रूप से पार्किंग की व्यवस्था शहर से दूर करवाई जाती है। पार्किंग की वैकल्पिक व्यवस्था शहर से दूर होने के कारण पर्यटकों को शहर आवागमन हेतु शटल सेवा की सहायता लेनी पड़ती है, जिसके चलते जिलाधिकारी ने शहर में स्थित मेट्रोपोल परिसर में व्यवस्थित पार्किंग निर्माण के लिए मौके का जायजा लिया और संबंधित विभागीय अधिकारियों से पार्किंग निर्माण के लिए प्रस्तावित भावी कार्य योजना कार्यों की जानकारी ली है। साथ ही साथ बंसल ने
लोनिवी के इंजीनियरों को निर्देश दिए हैं कि भावी कार्य योजना में परिसर को स्थिर व व्यवस्थित पार्किंग स्थल के रूप में विकसित किया जाए और पार्किंग स्थल की सुंदरता पर विशेष ध्यान दिया जाए। अब बात करते हैं, नहीं थम रहा कोरोना का कहर। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। सोमवार को प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 807 नए संक्रमित मरीज मिले। इसके बाद अब मरीजों की संख्या 25,000 पार पहुंच चुकी है। वहीं 7,965 सक्रिय मरीज हैं। देखिए पूरी जानकारी। संक्रमित मरीज, अब मरीजों की संख्या 25,000 पार। कोरोना के 7,965 सक्रिय मरीज, 24 घंटे में 9,262 सैंपलों की जांच। देहरादून जिले में सबसे अधिक 241 मरीज, नैनीताल जिले में 142, उधम सिंह नगर में 118, पौड़ी में 84, हरिद्वार में 63, टिहरी में 41, उत्तरकाशी में 35, चंपावत में 19, रुद्रप्रयाग में 15 केस, अल्मोड़ा में 13, चमोली में 12 कोरोना मरीज, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में 7-7 कोरोना मरीज सामने आए। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता चला जा रहा है, आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी। अब मरीजों की संख्या 25,000 के पार पहुंची। चौबीस घंटे में 9,262 सैंपलों की रिपोर्ट। रुक करते हैं खबरों का। अब उत्तरकाशी से खबर आपको बता देते हैं, जहां राजघड़ी में बन रहा मिनी स्टेडियम का यमुनोत्री विधायक केदार सिंह ने शिलान्यास किया। मिनी स्टेडियम की सौगात मिलने पर खेल के प्रति रुचि रखने वाले खेल प्रेमियों ने उत्साह के साथ खुशी जाहिर करी। मैदान में 24,66,000 की लागत से ये बनाया जा रहा है। इस मौके पर राजघड़ी क्षेत्रवासियों ने विधायक का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। उत्तराखंड शासन द्वारा अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी करने के बाद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड क्रिकेट गतिविधियों को शुरू करने की रणनीति बनानी शुरू कर दी गई है। हालांकि बीसीसीआई ने पहले 21 सितंबर से खेल गतिविधियों को शुरू करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए थे, तो वहीं राज्य की गाइडलाइंस जारी होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि 21 सितंबर से प्रदेश के भीतर क्रिकेट की गतिविधियां शुरू की जाएंगी। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव महिम वर्मा ने बताया कि बीसीसीआई और CAU का हमेशा से ही यही प्रयास रहा है कि जो प्रतिभाएं हैं उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाए। हालांकि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते तैयारियां ठप पड़ गई हैं, लेकिन BCCI ने पहले ही गाइडलाइंस जारी की थी कि 21 सितंबर से क्रिकेट गतिविधियां को शुरू करने की बात कही जा चुकी है। लिहाजा क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड भी 21 तारीख से क्रिकेट गतिविधियों को शुरू करने जा रहा है, जिसके लिए रणनीतियां बनाई जा रही हैं। यार स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का हमेशा ये वो रहा है कि जितने मैक्सिमम जो प्रतिभाएं हैं क्रिकेट के लिए वो भी एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनको बाहर लाया जाए, एक अच्छा क्रिकेटिंग माहौल किया जाए। वो ड्यू टू कोविड की वजह से सो एक पीछे चला गया है, रुक सा गया है। हालांकि BCNL ने SOP निकाल दी थी और मिनिस्टर HRD की भी SOP आ गई कि 21 तारीख से आप विद 100 पीपल के अधिक से आप चालू कर सकते हैं। तो हम भी 21 तारीख के बाद से अपना प्लान आउट करें, कैसे करना है क्रिकेट, कैसे स्टेट में रन करना है, वो प्लान आउट करें। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियां अपनी दम भरने में लगी हुई हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सरकार की कमियों को गिनवा रही है। लिहाजा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने साफ जाहिर कर दिया है कि 2022 की तैयारी में कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और इस बार BJP के प्रत्याशियों के सामने कांग्रेस के प्रत्याशी बड़े दमखम के साथ सामने खड़े हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार 2022 के चुनाव में कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। तो नहीं, मैं कहूंगा हम कांग्रेस के लोग हैं और अपने साथियों से जो है जब संवाद होता है
तो कई चीज़ों का आदान प्रदान होता है, उससे हमें भी लाभ मिलता है और हमारे जो साथी उनको भी थोड़ा बहुत लाभ मिलता है। तो जहाँ तक चुनाव का जिक्र आपने किया, कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है और मैं कहना चाहता हूँ 2017 में जो वैक्यूम था उस वैक्यूम को भरने का काम हमने किया है और आज 2022 में जब चुनाव होगा तो हर विधानसभा में कांग्रेस के पास ऐसे प्रत्याशी हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने का दम रखते हैं। चमोली में जेल से फरार अपराधी को पुलिस ने पकड़ लिया। ये कैदी जिला कारागार पुरसाड़ी से फरार हुआ था जिसे पकड़ लिया गया। आपको बता दें जिला कारागार से दो कैदी फरार हुए थे, दूसरा कैदी जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। फरार अभियुक्त का नाम दीपक राणा बताया जा रहा है। जिनके तलाश में चमोली पुलिस द्वारा अनेकों टीमों का गठन श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश। लालकुआ वार्ड नंबर 4 निवासी युवती का 2 दिन पहले देर रात कोतवाली के बगल से अपहरण हुआ। इस दौरान पुलिस के हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में परिजनों की शिकायत करने के बाद कोतवाली पुलिस ने कई टीमों को अलग अलग दिशा में भेजा, जिससे देर रात युवती और अपहरणकर्ताओं को धर दबोच लिया गया। कल देर रात एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता करके बताया कि लड़की के अपहरणकर्ताओं को धर दबोच लिया गया है। विभिन्न धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये किडनैपिंग नहीं बल्कि सोची समझी कहानी थी। दोनों आरोपी लालकुआ और काठ गोदाम के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।